हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल पर। आज हम फोटोशॉप में ड्रेस चेंजिंग इफेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे हमारी बनने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो बने रहिए एंड तक हमारी वीडियो में हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ से फोटोशॉप ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक ओपन करके रखी हुई है एंड यहाँ पे एक और इमेज रखी हुई है। सबसे पहले आपने इसकी कटिंग कर लेना। कटिंग के लिए आप यहाँ से कोई भी टूल यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल यूज किया एंड इसकी ड्रेस की मैंने कटिंग कर ली। तो इस तरह से एंड यहाँ ओल्ड प्रेस करके थोड़ा सा इसे डाउन में भी कर लिया एंड यहाँ से भी थोड़ा हल्का सा किया एंड उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपरली इसे कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने कट किया। कट करने के बाद आपने इस पे राइट क्लिक से फैदर देना है। मैंने फैदर यहाँ पे दिया 2 का एंड देन ओके किया। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से कंट्रोल जैसे इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेकेंड वाली इमेज को मूव करना है स्पेस पे। यहाँ से मैंने मूव किया, कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया एंड यहाँ से उस कटिंग के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से सेट किया। सेट करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लेयर बॉक्स में आओगे एंड यहाँ से मेरे पास 2 लेयर्स हैं, लेयर फर्स्ट एंड लेयर सेकंड। दोनों के बीच में कर्सर रखना एंड देन ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर पिक एडजस्ट हो चुकी है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा मैंने डाउन किया। देन कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।